गुरुवार के दिन भूल कर भी ना करे यह 10 काम, जीवन में आ जाएगी दरिद्रता, हो जाओ सावधान। हिंदू धर्म में गुरुवार का दिन सृष्टि के संचालनकर्ता भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति का माना जाता है। धार्मिक रूप से ही है दिन बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। इस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करने से लोगों की समस्याएं दूर हो जाती है, साथ ही घर हमेशा सुख और समृद्धि से भरा रहता है। वहीं बृहस्पति ग्रह की बात करें तो इन देवी देवता भी गुरु कहा जाता है। देव गुरु बृहस्पति ज्ञान कर्म संतान और विद्या का कारण माने जाते हैं। जिनकी कुंडली में गुरु ग्रह अच्छी स्थिति में होते हैं सफल देते हैं। ऐसे में देव गुरु का आशीर्वाद पाने के लिए इस दिन केले के वृक्ष की पूजा की जाती है। पूजा पाठ के अलावा गुरुवार के दिन कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिन्हें करने की मनाही होती है। इन कार्यों को करने से कुंडली में बृहस्पति ग्रह कमजोर होते हैं और व्यक्ति को हमेशा परेशानियों का सामना करना पड़ता रहता है। तो चलिए जानते हैं कि गुरुवार के दिन कौन से काम करने चाहिए या नहीं चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखे। भगवान आपकी हर मनोकामना पूरी करें। नंबर 1, बृहस्पति का प्रभाव शरीर पर रहता है। उसी प्रकार से घर पर बृहस्पति का प्रभाव उतना ही गहरा होता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में ईशान कोण का स्वामी गुरु होता है। ईशान कोण धर्म और शिक्षा की दिशा है। पोछा लगाने से घर का ईशान कोण कमजोर होता है। किस दिन कौन सा संबंध परिवार नन्हे बच्चों से होता है, साथ ही घर के पुत्र संतान का संबंध भी इसी से होता है। घर के बच्चों पुत्रों घर के सदस्यों की शिक्षा धर्म आदि पर कुप्रभाव में कमी आती है। नंबर 2, गुरुवार के दिन कपड़े धोने से कुंडली में गुरु ग्रह की स्थिति पर बुरा असर पड़ता है और माँ लक्ष्मी भी नाराज हो जाती है। इससे आपको शारीरिक और आर्थिक रूप से मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए गुरुवार के दिन कभी भी पोछा नहीं लगाना चाहिए। नंबर 3, गुरुवार के दिन केले के फल का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि इस दिन केले के पेड़ की पूजा की जाती है और केले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है। इसलिए इस दिन कभी भी केला नहीं खाना चाहिए। नंबर 4, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गुरुवार के दिन महिलाओं को बाल नहीं धोना चाहिए। इस दिन जो महिलाएं बाल धोती है उनकी कुंडली में बृहस्पति ग्रह कमजोर होता है। बृहस्पति ग्रह के कमजोर होने से कोई भी काम अच्छे तरीके से पूर्ण नहीं होते हैं। इसलिए इस दिन महिलाओं को कभी बाल नहीं धोने चाहिए। नंबर 5, गुरुवार के दिन धन से जुड़ा किसी तरह का लेन देन नहीं करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसा करने से कुंडली में गुरु के सृष्टि कमजोर हो जाती है। वही मान्यता यह है कि भी है गुरुवार कि के गुरु दिन यदि आप किसी को धन देते हैं तो वापस मिलने में परेशानी होती है। इसलिए इस दिन कभी भी किसी को पैसे नहीं देने चाहिए और ना ही किसी से धन का लेन देन करना चाहिए। नंबर 6, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गुरुवार के दिन सिलाई भी नहीं करनी चाहिए। इससे गुरु कमजोर होता है। गुरु कमजोर होने से घर की आर्थिक स्थिति पर बुरा असर पड़ता है। इसके अलावा इस दिन भगवान विष्णु की पूजा में सरसों के तेल या तेल का दीपक नहीं जलाना चाहिए। इस दिन केवल घी का दीपक ही नंबर 7, जलाएं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गुरुवार के दिन कभी भी कबाड़ नहीं बेचना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि आज के दिन कबाड़ बेचने से घर में सुख समृद्धि का नाश होता है। गुरु के दुष्प्रभाव से परिवार के सदस्यों में खराबी होती है और बच्चों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। नंबर 8, हिंदू धर्म में चावल का विशेष महत्व माना गया है। कोई भी मांगलिक कार्य हो या पूजा, सभी में चावल का इस्तेमाल किया जाता है। चावल का उपयोग टीका लगाने, पूजा के अलावा और बहुत कामों में किया जाता है। लेकिन गुरुवार को भी कभी चावल नहीं खाने चाहिए। नंबर 9, गुरुवार के दिन पूजा पाठ से जुड़ा सामान से कोई भी वस्तु, कोई धारदार वस्तु जैसे चाकू, कैंची, बर्तन आदि नहीं खरीदना चाहिए। इससे स्वास्थ्य और धन लक्ष्मी भी रुष्ट हो जाती है। गुरुवार को नए कपड़े पहनने से बचना चाहिए। नंबर 10, यदि आप मांस मदिरा करते हैं और गुरुवार को बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, भगवान बृहस्पति का व्रत करने वाले लोगों को तो मांस मदिरा का त्याग कर देना चाहिए। इस दिन मांस मदिरा खाने से सारे देवी देवता रुष्ट हो जाते हैं।
बृहस्पति भगवान जो इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करे उसकी हर मनोकामना पूरी हो। जय बृहस्पति भगवान की जय हो।